है, इतना मन कर रहा ना बाल खोले हैं वीडियो के लिए, बट नहीं यार, इट्स वेरी हॉट, आग बरस रही है। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today's video is going to be super super interesting because I am showing you top 10 products that Instagram influenced me to buy. वैसे तो मैं खुद एक influencer हूँ, लेकिन Instagram भी हमें influence कर देता है इतना ज़्यादा हमारी feed में दिखा दिखा के कि ले लो यार ये चीज़ ले ही लो। और ये 10 products short बहुत अच्छे products हैं, मुझे personally खुद पसंद आए हैं, so I think ये आपको भी पसंद आने वाले हैं। So yeah, without any further ado, let's get started. उससे पहले आपको बताएं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, लाइक बटन पे करना है। आई एम वेरी क्लोज टू 2 लाख सब्सक्राइबर्स। मेरी यूट्यूब ग्रोथ बहुत स्लो रही है, लाइक स्लोअर देन द टर्टल इन द रेस। टर्टल तो वैसे जीत भी गया था लास्ट में, लेकिन मेरा तो कुछ आसान नहीं लग रहा है 1 मिलियन टच करने के, बट चलो कोई नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप अच्छे से मेरी वीडियो देख पाओ, सपोर्ट कर पाओ, काफी सारा अच्छा अच्छा मैं कॉन्टेंट तो बनाती रहती हूँ आपके लिए। एंड या नाउ लेट्स गो। नंबर 1 प्रोडक्ट इज अ रीसेंट फाइंड, मैंने रिसेंटली अमेजोन से ऑर्डर किया, इसलिए मैंने इसकी पैकेजिंग भी संभाल के रखी है। मैंने इसको एक दो बार यूज कर लिया एंड आई सिंपली लव्ड इट। ये भी मेरी इंस्टाग्राम की रिकमेंडेशन में आया था, कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर ने इसका रिव्यू किया था, आई लाइक आई हैव टू गेट इट, बिकॉज काफी बार जब मैं एक्सटेंशन करा लेती हूँ ना, तो एक्सटेंशन में आप हेयर वॉश नहीं कर पाते, आपके नेल्स टक हो जाते हैं। जब एक्सटेंशन की ग्रोथ आगे आती है, यहाँ पर गैप आता है और आपके बाल ऐसे फंस जाते हैं। समटाइम्स यू रियली वॉन्ट दैट डीप मसाज जो ऐसे फिंगर से नहीं हो पाती, सो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। इसका नाम है हेयर स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। दिस इज द पैकेजिंग लुक्स लाइक, ये काफी शार्प ऐसे लग रहे हैं देखने, बट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दीज आर लाइक सिलिकॉन के हैं। ये काफी सॉफ्ट है, मतलब आप बहुत अच्छे से इससे मसाज कर सकते हो। इससे फोम काफी अच्छा क्रिएट होता है, काफी बार होता है ना फिंगर से ऐसे रगड़ रगड़ के फोम नहीं क्रिएट कर पाते बालों पे, और जब तक वो शैम्पू में फोम नहीं क्रिएट होगा ना, आपको लगता है यार बाल क्लेंज नहीं हुए, बट इससे काफी अच्छा फोम क्रिएट होता है। मैं तो काफी बार क्या करती हूँ, इसके ऊपर ही शैम्पू थोड़ा सा पोर कर देती हूँ एंड देन आई सिंपली मसाज माई हेयर लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर इसको ज्यादा सर्कुलर मोशन में नहीं घुमाना है, बिकॉज अदरवाइज फिर बाल इसमें एंटैंगल हो जाएंगे। अब तक मेरे को इससे कोई हेयर फॉल इशू नहीं हुआ, कोई बाल मेरे इससे खिंचा नहीं है, सो शॉर्ट ये गीले बालों पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। आई जस्ट ट्राई कि मैं ऐसे ऐसे करके मसाज करूँ या सर्कुलर करूँ, तो छोटे छोटे, ज्यादा बड़े बड़े सर्कुलर मोशन नहीं लेने, बट दिस वन इज अमेजिंग। इसका पीछे हैंडल भी आता है, तो आप लिटरली इसको पूरा ऐसे स्टक करके ऐसे ऐसे करके यूज कर सकते हो। सो इफ यू आर डन लाइक मसाजिंग विद योर फिंगर्स, या फिर वो स्कैल्प क्लेंज नहीं हो पाती, काफी बार लगता है यार पीछे अच्छे से हाथ नहीं जा रहा, या फिर पीछे क्लेंजिंग अच्छे से नहीं हो रही, ट्राई दिस वन, दिस इज वर्थ एवरी पेनी। ये सबसे सस्ता मैंने ढूंढा था जिसके रिव्यूज अच्छे थे एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। पैकेजिंग में लिखा है इसको आप ड्राई भी यूज कर सकते हो ताकि आप अपने बालों को अच्छी मसाज दे पाओ। मैंने अभी तक इसको ड्राई वे में यूज नहीं किया, बट एज अ वेट शैम्पू मसाजर ये काफी अच्छा है, सो डेफिनेटली ट्राई इट। नेक्स्ट आइटम इज फ्रॉम अ ब्रांड जो काफी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, इनफैक्ट मैंने भी एक रील डाली थी जो इतनी वायरल हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। द ब्रांड नेम इज जूडियो। आई एम श्योर आपकी इंस्टाग्राम फीड पर कोई ना कोई जूडियो का प्रोडक्ट, कोई ना कोई जूडियो का हॉल, जूडियो का स्टोर, कुछ ना कुछ आपको दिखता ही रहता होगा। सो मुझे भी जूडियो की एक रील दिखी जिसमें एक लड़के ने स्नीकर्स वाइप का रिव्यू किया था। सो जब मैं जूडियो के स्टोर में गई थी, बिल काउंटर के पास ही रखे हुए थे, सो आई थॉट लेट्स गेट इट, बट माई हस्बैंड इज अ स्नीकर हेड, ही लव वेयरिंग शूज, एंड ऑफकोर्स जब आप शूज ज्यादा पहनते हो डर्टी हो जाते हैं, फिर वो लुक नहीं आती। सो मुझे ये काफी यूनिक आइटम लगा। दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, दिस इज जस्ट फॉर ₹50 एंड 50 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 10 वाइप्स मिलते हैं। हमने 2-3 तो अब तक यूज ही कर लिया, इनफैक्ट मोर देन 3 or 4 वाइप्स, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। ये काफी हैंडी, आप इसको अपने बैग्स में रख सकते हो, लाइक इफ यू आर समवन जिसको अपने जूतों से बहुत प्यार है, आप चाहते हैं आपके शूज एकदम क्लीन रहे। काफी बार हम एकदम व्हाइट कलर के शूज ले लेते हैं और फिर वो क्लीन नहीं हो पाते एंड देन वी फील लाइक यार सोप लगा लेते हैं, फिर कुछ कपड़ा मार लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। सो ये वाइप्स काफी हैंडी है, जस्ट एक वाइप निकालो, अपना पूरा शूज साफ कर लो एंड यू आर गुड टू गो। सो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, दिस इज समथिंग दैट आई वाज इन्फ्लुएंस्ड टू बाय एंड इट इज एक्चुअली वर्थ एवरी पेनी फ्रॉम जूडियो। बिफोर यू आस्क ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, लेट मी टेल यू दिस इज द प्रोडक्ट। लिटरली इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैंने ब्लश, हाईलाइटर सब यूज करना बंद कर दिया। ये सिंगल ट्यूब ही काफी है, जस्ट अभी अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है एंड कॉमेंट्स फ्लड हो गए थे लिंक से। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। ये है टिप्सी ब्यूटी का सिल्क कुशन ब्लश इन द शेड स्ट्रॉबेरी शैम्पेन। इट इज एक्चुअली अ ड्यूप ऑफ शार्लेट टिल्बरी का ब्लश। शार्लेट टिल्बरी का जो ब्लश आता है, इट इज अराउंड 3-4 थाउजेंड रुपीज और ये आपको अंडर ₹1000 मिल जाएगा नायका पर, जब भी सेल पर होता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसकी कुछ ऐसे कुशन टिप है और यहाँ से आपको अनलॉक करना होता है। द ओनली थिंग इज ये पूरा मेसी हो गया है, बिकॉज यहाँ जो टिप पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना, वो यहाँ अंदर लग जाता है। कैन यू सी, बिकॉज मैं इसको 2 हफ्ते से कॉन्स्टेंटली यूज कर ही रही हूँ और ये जो अंदर लगता है ना, फिर वो ये पूरा एरिया से मेसी कर देता है। सो लिटरली मुझे यहाँ से काफी बार निकाल के ऐसे ऐसे करके लगाना होता है और मैं यूज भी कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट प्रोडक्ट। खाली 2-3 डॉट्स लगाई, अच्छे से फिंगर से भी आप ब्लेंड कर सकते हो, आपको ब्रश की भी जरूरत नहीं है। ये ब्लश का भी काम करता है, बिकॉज इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है, एकदम पिंकिश रोज गोल्ड सॉर्ट ऑफ एक वाइब आती है और इसके अंदर हाईलाइटिंग पार्टिकल भी है। लाइक लुक एट दिस, मैंने अभी कोई हाईलाइटर नहीं लगाया एंड माई स्किन इज ग्लोइंग। बहुत अच्छा है ये, दिस इज डेफिनेटली
वर्थ एवरी पेनी. अगर आपको पैन बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं पसंद या फिर आप ट्रैवलिंग के लिए कुछ देख रहे हो, बिकॉज जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो आपको पैन वाले ब्लशेस, पाउडर ब्लशेस नहीं ले जाने चाहिए, हाईलाइटर वो टूट जाते हैं. सो ऐसे ट्यूब वाले प्रोडक्ट्स हैंडी है, या आपने ऑफिस बैग में रख सकते हो, कॉलेज बैग में, ट्रैवल मेकअप किट में रख सकते हो. नेक्स्ट आइटम इज फ्रॉम अ ब्रांड जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है. इस ब्रांड की कोल्हापुरी चप्पल्स मेरी अभी तक चल रही है, लाइक 3 ईयर्स. चप्पलों का चलना बहुत बड़ी बात होती है और अभी तक मैं उसको पहनती हूँ. द कुशन इज वेरी नाइस, द ओवरऑल फिट इज सो कंफर्टेबल. एंड व्हेन आई सॉ दीज बैग्स ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं जू को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, आई वाज लाइक आई हैव टू गेट दीज, बिकॉज ये मुझे काफी प्रैक्टिकल और लाइक अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग. यू गाइज नो मैं जब भी बैग की बात करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ आपका बैग प्रैक्टिकल होना चाहिए. सुंदर तो दिखना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. एंड दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ बैग दैट आई लाइक. इसका नाम है जूक स्टेटमेंट बैकपैक. इनके काफी सारे बैग्स आते हैं, अगर आपको छोटे चाहिए आप कॉलेज के लिए भी ले सकते हो, बट दिस वन इज स्पेसिफिकली स्टेटमेंट बैकपैक जो आपने ऑफिस में भी ले जा सकते हो या फिर आप कहीं वन डे ट्रिप के लिए जा रहे हो तब भी ले जा सकते हो, बिकॉज उसमें स्पेस बहुत अच्छा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट दिस जिप, जो मेन जिप है इसकी, वी हैव टू जिप ओवर हियर. दिस इट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड. आई लव द स्पेस. लाइक पीछे आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, सो यहाँ पे आप जब ये वेलक्रो हटाओगे आपको एक बड़ा कंपार्टमेंट मिल रहा है विच इज पैडेड बाय द वे, तो आपका लैपटॉप एकदम सेफ रहेगा. एंड लैपटॉप की छोटी मोटी जगह नहीं है, ऑलमोस्ट 15 इंच का लैपटॉप, मेरा लैपटॉप बहुत बड़ा है, वो भी इसमें फिट आ जाता है थैंकफुली. अदरवाइज मैं जितने ही बैग्स देती थी ना उसमें मेरा लैपटॉप नहीं फिट आता था, बिकॉज आई हैव अ वेरी ह्यूज गेमिंग वाला लैपटॉप. सो वो यहाँ पे लैपटॉप फिट आ जाता है. यहाँ पे आप अपना आईपैड या फिर कोई बुक्स एंड ऑल भी रख सकते हो. सो यू गेट टू कंपार्टमेंट एंड जो लैपटॉप का कंपार्टमेंट है वो फुली कुशन है, तो आपके लैपटॉप को कुछ नहीं होने वाला. एंड देन सेंटर में वी हैव लाइक नाइस स्पेस, आप यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा कपड़े रख सकते हो, फुटवेयर रख सकते हो. लाइक अगर आप एक या दो दिन की ट्रिप में जा रहे हो ना, लाइक मुझे भी अपने घर जाना है, मुझे एक या दो दिन के लिए जाना है, खाली अपना लैपटॉप और 2-3 कपड़े लेके जाने, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है. या फिर आप इसको एज अ कैबिन बैग भी कैरी कर सकते हो. द ओनली पर्पज ऑफ गेटिंग दिस बैग इज फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप, बिकॉज हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना हैंड बैग की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ एक छोटा स्लिंग ले लूँ एंड पीछे ऐसा बैग पैक लूँ जिसमें मेरे सारे गैजेट्स भी आ जाए, जिसमें सारे एक्स्ट्रा कपड़े भी आ जाए, सो दैट लगेज के अलावा मुझे हाथ में कुछ पकड़ना ना पड़े. सो ये तो हो गई हमारी मेन कंपार्टमेंट वाली जिप. देन इसके अंदर एक और जिप है जिसके अंदर आप और चीजें रख सकते हो. अगेन यू गेट लाइक नाइस स्पेस और यहाँ पे एक अंदर जिपर पॉकेट भी है. मैं जब भी अपने स्कूल बैग लेती थी ना, आई रिमेंबर लाइक जब थोड़ा थोड़ा अकल आनी शुरू हुई थी कि हाँ चीजों को कैसे रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, 9th-10th के अराउंड के बाद जब मैंने अपने स्कूल बैग लेने शुरू करे ना, आई वॉज वेरी स्पेसिफिक कि अंदर एक ऐसी जिप होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप अपने एसेंशियल रख सकते हो, लाइक आप अपना कुछ पैसे रख सकते हो, कोई अपना आई कार्ड या फिर अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी होता है जो इंपॉर्टेंट स्टफ है आप अंदर जिप में रख सकते हो. तो एक ऐसी अंदर जिप होना, हिडन कंपार्टमेंट बहुत जरूरी है. देन वी हैव दीज टू कंपार्टमेंट्स एज वेल, जिसमें आप इजीली अपने लाइक पेंसिल या फिर स्टेशनरी, लाइक इसको अगर आप ऐसे स्कूल बैग भी कैरी करना चाहते हो ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है, काफी क्लासी लगने वाला है. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये वीगन लेदर से बना है, बिकॉज जूक इज अ पीटा अप्रूव्ड ब्रांड, तो ये वीगन लेदर से बना है विच इज वेरी गुड. एंड जो फैब्रिक भी है वो टॉप क्वालिटी का है. सो यहाँ पर भी एक जिप है, वी हैव अनदर जिप ओवर हियर विच इज अ थर्ड जिप. एंड यहाँ पर पूरा आपको डीप ऐसे जगह मिलती है, यहाँ पर आप अपने एसेंशियल रख सकते हो जो आपको इंस्टेंट चाहिए. लाइक अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे पासपोर्ट्स एंड ऑल पता है कि मैं बाहर रखूंगी, सो दैट जैसे मुझे चाहिए होगा मैं फटाफट निकाल सकती हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट फॉर द ट्रैवल फ्रीक्स, मैंने क्यों बोला है ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ऑफकोर्स ये जो पीछे का कुशन है वो तो काफी सॉफ्ट है, बट यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना स्ट्रैप, बेसिकली दिस इज फॉर द बैग. तो अगर आप अपने लगेज या फिर कोई कैबिन बैग भी ले रहे हो, आप उसमें स्टक करना चाहते हो, तो उसमें भी आप इजिली ऐसे इंसर्ट करके डाल सकते हो और बिल्कुल अटैच हो जाता है. बिकॉज जब भी हमें फ्लाइट चेंज करनी होती है, टर्मिनल चेंज करने होते हैं, हॉल्ट होता है, लेओवर होता है, तो हम ऐसे बैग को पीछे टांग के नहीं घूमेंगे, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है. तो उस सेंस में भी ये मुझे काफी अच्छा लगा. सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल बैग. आप ट्रैवल कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप कहीं वर्क ट्रिप पे जा रहे हो, एक या दो दिन के लिए कहीं जा रहे हो, आपका लैपटॉप कपड़े सब कुछ इसमें आ जाएगा. जैसे इंस्टाग्राम के एड्स में देखा, लाइक आई हैव टू गेट इट एंड द ब्रांड वॉज काइंड इनफ टू सेंड इट. लेकिन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद फीचर कर रही हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली अच्छा लगा है. ब्रांड वॉज काइंड इनफ टू सेंड अ कोड एज वेल, तो अगर आप ये कोड यूज करोगे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगी. इट इज वाईटी कशिका C10. एफिलिएट कोड नहीं है, मुझे कुछ कमाने को नहीं मिल रहा, दिस इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस. सो या डेफिनेटली सपोर्ट ब्रांड्स लाइक दी. नेक्स्ट आइटम इज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर. ये भी मैंने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की गेट रेडी विद मी रील में देखा था, वो भी कहीं ट्रैवल कर रही थी, शो ओपन द टाइम आज लाइक बड़ा अच्छा लग रहा है यार. सो उसी टाइम मुझे किसी इंस्टाग्राम स्टोर का ही मैसेज आया था, शी वॉज सेंडिंग मी द सेम थिंग. आई वॉज लाइक वाई नॉट, बिकॉज मैं वैसे भी इंस्टाग्राम काफी स्टोर्स को प्रमोट करती रहती हूँ. आई लव प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेसेस. तो ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा था, मैं उनका भी जो लिंक है डिटेल्स है मैं नीचे रिसेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और ये मैं ट्रिप पर लेके गई थी, ट्रिप के टाइम तो मैंने इसको पूरा भर लिया था, तो काफी मैंने खाली कर दिया बिकॉज मैंने अपने ट्रे में वहां पे डाल दिया
है जहाँ मैं डेली बेसिस पे अपने ज्वेलरी रखती हूँ, बट दिस हाउ इट लुक्स लाइक. आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम वेयर एवर यू गेट द बेस्ट डील. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे ज्वेलरी हैंग करने के लिए आपको ऐसे हुक्स सॉर्ट ऑफ मिलते हैं. मैंने यहाँ पे एक चेन लगाई हुई है. देन वी हैव दिस दिस क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आप अपने हुक्स, छोटे छोटे इयर रिंग्स या फिर रिंग्स भी रख सकते हो. अगर आपको रिंग्स रखने का शौक है तो आप इसमें यहाँ पे रिंग्स रख सकते हो. देन वी हैव दीज कंपार्टमेंट्स जो रिमूवेबल भी हैं. जरूरी नहीं आपको पूरा ऐसे फोर वाला कंपार्टमेंट रखना, आप इनको हटा भी सकते हो. आपका पूरा एक लार्ज स्पेस, लार्जर स्पेस क्रिएट हो जाएगा. बट मैंने हटाए नहीं हुए. यहाँ पे आप अपने अलग अलग हुक्स रख सकते हो. अभी भी थोड़े बहुत हुक्स मैंने इसमें रखे हुए हैं. सो आई रियली लाइक इट. इज वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. द बेस्ट पार्ट इज काफी स्टर्डी है. लाइक मैंने इसको अपने लगेज में लिटरली दबा दिया था, बिकॉज वापस आते वक्त तो हमारा लगेज इतना ओवरलोड हो गया था. मैंने दबा दबा के सामान उसमें डाला था. सो उसके इसमें भी आपकी ज्वेलरी इंटैक्ट रहती है, बिकॉज ये वेट को अच्छे से होल्ड करती है. बिल्कुल भी आपके अंदर से ज्वेलरी खराब नहीं होती. इट्स लाइक अ नाइस क्यूट सूटकेस फॉर ज्वेलरी विच आई पर्सनली लव. Talking about organizer, I have another organizer. This one is for your makeup needs, perfect for traveling. मैं भी recently Thailand जब गई थी, मैं यही लेके गई थी as a travel makeup kit. मैंने वहाँ पे वीडियो भी शूट करी थी इसके बारे में, जो मैंने जस्ट अभी अपलोड करी इंस्टाग्राम पर कल या फिर परसों. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो मैंने अमेजोन से खरीदा था. मैंने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के गेट रेडी विद मी अगेन सॉर्ट ऑफ वीडियो में देखा था. उन्होंने दिखाया था ना, मैं लाइक वाओ यार बड़ा सही है. तो मैंने लास्ट ईयर अराउंड ऑर्डर किया था. आई डोंट नो, मैंने कि अमेजोन अपनी एक ट्रैवल एसेंशियल वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी फीचर किया था. बट मैंने यूज अब जाके किया. मैंने थाईलैंड ट्रिप से पहले इसको खोला. एंड दिस इज सो सो गुड. यूजली क्या होता है, जब हम पाउचेस में अपना मेकअप रख देते हैं ना, पूरा ऐसे भर जाता है पाउच में कुछ ना कुछ ढूंढो. और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब आपको कोई काजल या फिर लाइनर ढूंढना होता है, बिकॉज वो इतने छोटे छोटे होते हैं, वो दिखते ही नहीं है. बट ये मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज इसको लिटरली आप हैंग कर सकते हो. यहाँ पे हुक आता है, आप होटल में जहां भी जाओगे आप इनको अलमीरा के पास या होटल में से हैंग कर सकते हो. आपकी ऑन द गो वैनिटी रेडी हो जाती है. एक बाहर भी कंपार्टमेंट है, तो इसमें आप टिश्यू पेपर एंड ऑल डाल सकते हो. एंड वंस यू ओपन फ्रॉम वन साइड ये दिखता है कुछ इस तरह से. यहाँ पे मैंने अपने ब्रशेस डाले हुए हैं, मेरा मार्स वाला ट्रैवल ब्रश और एक दो एक्स्ट्रा ब्रश डाले हुए, एक छोटा ब्रश भी डाला हुआ है. वेरी वेरी नाइस एंड हैंडी. अच्छे से हैंग भी रहते हैं, तो एकदम क्लीन रहते हैं. और अलग कंपार्टमेंट है ना, तो हाइजीनिक भी रहते हैं. वरना मेकअप किट में तो हम सब कुछ ऐसे ही डाल देते थे और फिर ब्रशेस डर्टी हो जाते थे. सो ये तो हो गया वन साइड. ऑन अनदर साइड वी हैव अनदर ज़िप. ये दिखता थोड़ा सा बोरिंग है, लंच बॉक्स जैसा, बट ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वर्जन है. एंड हियर आर ऑल माय कलर्ड लाइनर्स. सबसे बेस्ट पार्ट इस किट की यही है कि मेरे सारे कलर लाइनर्स जो हैं वो एकदम इंटैक्ट रहते हैं, मुझे ढूंढने नहीं पड़ते. वेल डिस्प्लेड एंड लाइक सर्च नहीं करना पड़ता कहाँ है लाइनर. फटाफट से आप ट्रैवलिंग के टाइम रेडी हो जाते हो. सो ये तो थे दो साइड कंपार्टमेंट. पीछे से बिल्कुल प्लेन है. एंड वंस यू ओपन फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आप हैंग भी कर सकते हो. यहाँ पर भी काफी अच्छी स्पेस है. यहाँ दो आपको ऐसे जिप पाउचेस मिलते हैं. मैंने यहाँ पे लेंस डाला हुआ है, लैश कलर, एक दो लिपस्टिक डाली हुई है, शार्पनर डाला हुआ है लिपस्टिक को शार्पन अप या फिर काजल को शार्पन करने के लिए. यहाँ पे मैंने सारे अपने लाइक कैप्सूल, टिश्यू, कॉटन वाइप्स, बैंडेड और ये सब चीज़ें, शार्क कैप, ये सब चीज़ें डाली हुई है. यहाँ पे हमारा मेन कंपार्टमेंट है. सो यहाँ पे साइड में भी अंदर आपको ऐसे कंपार्टमेंट मिलते हैं ताकि अच्छे से होल्ड रहे. मैंने यहाँ पे अपने रेजर रखा हुआ था, दो तीन और मस्कारा या फिर आप कंसीलर साइड में रख सकते हो. पीछे मैंने अपनी बीबी क्रीम्स डाली हुई हैं एंड सम लिप लाइनर, देन हैव मस्कारा. और सेंटर के एरिया में सारे बड़े बड़े स्टफ हैं, लाइक मेकअप सेटिंग स्प्रे हो गया, सनस्क्रीन्स हो गई, काफ़ी सारी सनस्क्रीन में लेके गई थी ट्रिप पे, अंडर आर्म रोल ऑन, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो सारी इसमें आ गई थी. एंड वेरी वेरी हैंडी, मतलब इससे तो मेरी इस बार ट्रैवलिंग इतनी शॉर्ट हो गई थी ना कि मैं फटाफट तैयार हो सकती थी, बिकॉज हर चीज़ मुझे में पता थी कहां पर रखी है. अगर आपको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का कीड़ा है अपने अंदर कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको सब कुछ साफ सुथरी जगह पर चाहिए, यू कैन डेफिनेटली बाय इट. साफ सफाई की हम बात कर ही रहे हैं, तो जरा पैरों की साफ सफाई की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज पैरों में जो डेड स्किन डेवलप होती है, मतलब ओ माई गॉड. लड़कियों कितनी नहीं होती, लेकिन लड़कों की तो और ज्यादा होती है. मेरे से ज्यादा मेरा हस्बैंड जो है वो ऑब्सेस्ड है इस प्रोडक्ट से. ये भी हमने इंस्टाग्राम पर ही देखा था. एंड एज सुन एज ही सॉ वाज लाइक यार ये ऑर्डर कर दे, ये मुझे चाहिए. सो उसके बाद ये मैंने ऑर्डर भी कर दिया था. आई गॉट इट फ्रॉम हाइप स्टोर. विंस्टन हाइव स्टोर पे बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल है. लास्ट ईयर लिया था अराउंड, और जैसे ही हमने इसको खोला, ही यूज इट, ही इज लविंग इट. इनफैक्ट वो तो एवरी मंथ इसको यूज करता है. मैं इसको इस पैकेट में ही रखती हूँ, बिकॉज फिर इसके पार्ट्स इधर उधर गुम हो जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली अ विंस्टन कैलस रिमूवर. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. एंड इसके साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलती है. इसी की चार्जिंग केबल से इसको चार्ज करना, अदरवाइज फिर इशू रहता है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसके साथ एक फ्री रिफिल भी आती है, तो आप इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो. अगर आपको न्यू लगाना है
यहाँ से न्यू भी लगा सकते हो, बट मेरा अभी वही चल रहा है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ क्लीन. सो यहाँ पर आपको बटन मिलता है, जस्ट स्विच ऑन द पावर बटन. ये वन स्पीड है एंड उसके बाद दिस इज हायर स्पीड, तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कम स्पीड पे निकालना है, तेज स्पीड पे निकालना है. एंड ये काफ़ी रफ है, इट्स नॉट दैट गर्ली गर्ली वाले वो नहीं है स्टोन, जो प्यूमिक स्टोन होता है वो फिर भी थोड़े सॉफ्ट होते हैं. एकदम हार्श वाला स्टोन है जो लिटरली आपकी सारी डेड स्किन उतार देता है. अगर आपको पीछे एड़ियों पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है ना, ट्राई दिस वन. द बॉडी इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड क्वालिटी. एंड एक साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको चार्ज करती रहती हूँ एक चार्जिंग पे, तो ये बहुत लंबा चलता है. इनफैक्ट एक साल में मैंने शायद इसको दो बार ही चार्ज किया होगा, और दो बार के हिसाब से ये काफ़ी लंबा चल रहा है. सो यह वायरलेस है, ईजी टू यूज़ है. ये ना हाइप स्टोर में हमेशा अच्छी डील पे होता है, तो अगर ये मेरे हाइप स्टोर पे अवेलेबल होगा मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो. अदरवाइज विंस्टन बाकी वेबसाइट्स पे ना थोड़ा महंगा ही मिलता है, हाई स्टोर पे स्टिल ये बहुत अच्छी डील पे मिलता है. सो आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नेक्स्ट अप इज समथिंग फॉर योर नेल्स. ये भी एक मेरी फेलो इंस्टाग्राम फ्रेंड है, उसने स्टोरी पर डाला था कि ये कितना अच्छा है. लाइक मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअल में अच्छा है, शी सेड बहुत अच्छा है, लेकर देखो. सो मैंने उसी टाइम ये ऑर्डर प्लेस कर दिया था, बिकॉज मैं काफी ज्यादा एक्सटेंशन कराती हूँ, फिर नेल बेड वीक हो जाता है. और एक्सटेंशन से क्या होता है ना, जब वो बफ करता है ना आपके नेल्स पे से लाइन लाइन पड़ जाती है, और जब आप रिमूव करते हो अपने एक्सटेंशन को, वो लाइन्स इतनी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, आपके बाल अटकते हैं, आपके कपड़ों पे अटकते हैं, आपके नेल्स इतने ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं. दिस इज एक्चुअली समथिंग स्ट्रांग फॉर नेल्स. ये एक ऐसी लेयर बना देता है आपके नेल्स पे कि आपके नेल्स स्मूथ तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रेंथ भी मिलता है. सो ये नायका का 7-in-1 नेल्स स्पा, ये कुछ इस तरह से दिखता है. ये है ऑल इन वन कोट, तो आप इसको एज अ बेस कोट यूज कर सकते हो. लाइक अगर आप नेल पेंट बहुत लगाते हो, तो काफी बार नेल पेंट से भी ना आपके नेल्स स्टेन हो जाते हैं, नेल्स का कलर बड़ा अजीब हो जाता है, तो आप इसको बेस कोट पे यूज कर सकते हो ताकि आपके नेल स्टेन ना हो. या फिर आप इसको एज अ टॉप कोट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एज अ नेल स्ट्रेंथनर यूज करती हूँ, बिकॉज ये आपके नेल्स को स्ट्रांग भी बनाता है. इसी वर्जन में एक कैल्शियम मिल्क आता है, एक रॉक हार्ड करके भी आता है, विच इज लाइक मेकिंग योर नेल्स हार्डर. ऊपर के नेल्स है ना जो एक्सटेंशन की वजह से वीक हो गए बफ कर करके, वो वीक नहीं हो रहे, बिकॉज इसने बहुत अच्छी लेयर बनाई है. मेरे नेल्स बिल्कुल भी ऐसे बेंड होकर टूट नहीं रहे, बिकॉज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इसने नेल्स को दी है. नेक्स्ट अप इज अ वेरी ओल्ड फाइंड फ्रॉम मिलाग्रो, लेकिन अभी भी आपको ये काफी लोगों की इंस्टाग्राम फीड पे दिख जाएगा. मुझे रिसेंटली एक मैसेज आया था कि कोई ऑयल कंट्रोल रोलर बता दो, सो मैंने इसकी रील बनाई हुई थी, तो मैंने वही रिपोस्ट करके उनको बता दी थी कि मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है. तब मुझे याद आया कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे पास रखा हुआ है. शादी के बाद काफी सारे प्रोडक्ट्स ना इधर उधर हो गए थे, तो मुझे ऐसे याद नहीं रहता था. अब मैंने इसको फाइनली अपने स्लिंग बैग में रख लिया है. सो यह मिलाग्रो का वॉल्केनिक रोल ऑन, आई एम श्योर लास्ट ईयर तो सब ने इसके बारे में देखा होगा. अब थोड़ी हाइप डाउन हो गई है, बट पिछले साल तो बहुत लोगों ने इसका रिव्यू किया था. सो ऐसे लिड आती है, इसको हटाना है. यहाँ पे आपको रोल ऑन दिख रहा है, इट्स लाइक अ वॉल्केनिक स्टोन, ये एक पत्थर होता है, और जैसे ही आप इसको अपने फेस पर रोल करोगे ना, ये सारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा. लाइक लुक एट दिस, मैंने एक रील ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर दिखाया था कैसे इसने स्वेट एब्जॉर्ब किया था. मेकअप नहीं हिलता, आपका कोई मेकअप एब्जॉर्ब नहीं होता, बिकॉज अदरवाइज अगर आप स्वेट हटाना चाहोगे, आप टिश्यू पेपर लगाओगे, उससे मेकअप हट जाएगा, हिल जाएगा, बट इससे नहीं होता. यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस, एंड जो भी एक्स्ट्रा शाइनीनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है आपके फेस से. जो ऑयलीनेस है वो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है. आई डोंट नो इफ माई कैमरा विल फोकस और नॉट, कैन यू सी एक डिफरेंस आया. यहाँ पे एक शाइनीनेस थी स्वेट वाली है, तो हाइलाइटर वाली है, पसीने वाली शाइनीनेस आई हुई थी, वो काफ़ी अच्छे से चली गई है. अब ये जो शाइन आ रही है ना, ये मेरे लिटरली हाइलाइटर की है, नथिंग एल्स, नो स्वेट एंड ऑयल. सो ये काफ़ी अच्छा है. एंड द बेस्ट पार्ट, इसको निकालो और बॉल अंदर से निकल जाती है, आप उसको वॉश कर सकते हो, वापस अंदर डाल सकते हो. तो ये रीयूजेबल भी है, हाइजीनिक है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी अच्छा है. ये मिंत्रा है, नायका की सेल पे आपको बहुत अच्छी डील पे मिलता है. इनफैक्ट मिलाग्रो शायद हाइप स्टोर पे भी है, जहां पर भी होगा अच्छी सबसे बेस्ट डील पे, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, जो मैं ऑलरेडी काफी पहले रिव्यू भी कर चुकी हूँ, बट अगेन दिस इज समथिंग जो मैंने इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर लिया था, तो मुझे फीचर करना ही करना था. दीज आर मैग्नेटिक लैशेज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एक इसका आई लाइनर जो था वो मैंने खो दिया है. सो इसके साथ ऐसा आई लाइनर भी आता है, और एक स्पैच एप्लीकेटर भी आता है. यू गेट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेटर एज वेल, ताकि आप लैशेज इजिली लगा पाओ. So basically क्या है, ये मैग्नेटिक लैशेज हैं. इसके लैशेज के अंदर ना मैग्नेट ऑलरेडी लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे मैग्नेट हैं. बहुत ज्यादा जूम आप करके देखोगे ना, शायद तब आपको देखेंगे. लेट मी जस्ट जूम इन एंड शो यू गाइज, लाइक कैन यू सी इसके अंदर कितने टाइनी टाइनी ऐसे मैग्नेट्स आपको दिख रहे हैं. 1, 2, 3, 4. ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जिनको लैशेज लगानी नहीं आती. दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर द गर्ल्स जिनको लैशेज लगानी नहीं आती, लाइक मी. मैं कितनी बार भी अप्लाई कर लूँ, लैशेज सही लगती नहीं है, इधर से टेढ़ी हो जाएगी, इधर से निकल जाएगी, और इतनी अनॉय करती है ना. बट दिस इज वेरी वेरी ईजी. मैंने इसकी ऑलरेडी एक रील बनाई हुई है, मैं नीचे मैंशन भी कर दूंगी, यहाँ पर भी कहीं प्ले कर दूंगी. सो इसको बेसिकली आपको लगाना होता है, इसके साथ जो लाइनर है आपको वही यूज करना है, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल है. ये नॉर्मल लाइनर के साथ काम नहीं करेगा. ये जो लाइनर है इसको अच्छे से
शेक करो, अप्लाई करो, थोड़ी देर रुको ताकि वो ड्राई हो जाए, एंड देन आप जैसे ही इसको ऐसे प्लेस करोगे ना, मतलब आपको मेहनत ही नहीं करनी, आप थोड़ा ऊपर भी लगाओगे ना, ये अपने आप ऐसे चिपक के नीचे आ जाएगी, बिकॉज ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। ये अमेजोन पे काफी अवेलेबल है, इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। मैं ये वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी लिंक नीचे डाल दूंगी। सो दीज वर माय टॉप 10 प्रोडक्ट्स दैट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस्ड मी टू बाय। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक पार्ट 2 ऑफ इट। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपने कोई ऐसी चीज क्या ली किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से, या फिर इंस्टाग्राम एड पर, या फिर कोई इंस्टाग्राम पे आपने रैंडमली रील देख ली, आपका मन करके आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो एक्चुअल में बहुत अच्छी निकली है। सो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर, हेल्प मी टू रीच 2 लाख सब्सक्राइबर्स सून, गिव इट अ बिग थम्स अप, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के शॉर्ट रिव्यूज रील्स मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाली हुई है। मैं इंस्टाग्राम पे काफी क्विक रिव्यूज करती हूँ, सो जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलो मी देयर, प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan, यहाँ पर भी आपको कहीं दिख जाएगा, सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड फॉलो। एंड या दैट इज टुडेज वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।